फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेकंड डिजिट स्क्वायर ट्रिक। चलिए तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है 32 स्क्वायर। फ्रेंड्स, पहले हम थ्री डिजिट नोट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और टू नोट करेंगे और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जो ऊपर स्क्वायर है और फिर वो नोट करेंगे टू, इसका प्लस टू। फ्रेंड्स, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर क्या होता है, वो कैसे निकलता है? फ्रेंड्स, 3 को ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? 09। और फ्रेंड्स, 2 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 04। फ्रेंड्स, अब जो ये 12 है उसमें ऐड करेंगे, बट फ्रेंड्स जो लास्ट डिजिट है 4 उसको हम छोड़ देंगे, हम 12 को यहाँ से लिखेंगे 2 और 1। फ्रेंड्स, अब कर देंगे इसको ऐड। फ्रेंड्स, 4 2 10 1 carry 1। फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 74 स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, हम वही करेंगे, पहले हम 7 नोट कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन वो नोट कर देंगे, इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 56। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अब 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 49। और अगर 4 को 4 बार करेंगे फ्रेंड्स, अब हम लास्ट डिजिट को छोड़ देंगे और यहाँ से लिखेंगे तो 6 और 5 56 को हम उसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, 6 7 4 1 carry and 5। फ्रेंड्स, ये हमारा आ गया आंसर। फ्रेंड्स, चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट डिजिट। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है 87 स्क्वायर। फ्रेंड्स, हम इसमें भी वही करेंगे, पहले 8 नोट कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 7 नोट कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और स्क्वायर का 2 नोट कर देंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आता है? 112। फ्रेंड्स, अब 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। और फ्रेंड्स, 7 का 49। फ्रेंड्स, अब ऐड करेंगे 112 को। फ्रेंड्स, हमने पहले भी बताया था कि 1 डिजिट छोड़ के इसको ऐड करते हैं, तो 2 1 1 तो कर देंगे ऐड 9 6 5 7। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आ गया आंसर। फ्रेंड्स, आप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल से सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।